सीतापुर के कस्बा तंबोर में गांधी जयंती के अवसर पर निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन अनमता क्लिनिक के संचालक डॉक्टर शहनवाज अहमद व समाजवादी युजन सभा के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष फराज अहमद के द्वारा किया गया, जिसका शुभारंभ लहरपुर नगर पालिका के अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने फीता काट कर किया। कैंप में वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड समेत अन्य प्रकार की बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज डॉक्टर मोहम्मद साकिब, डॉक्टर शहनवाज अहमद, डॉक्टर सैयद फहद के द्वारा किया गया। वहीं बात करने पर डॉक्टर शहनवाज अहमद ने बताया कि इस समय कस्बे के साथ साथ क्षेत्र के लोग वायरल बुखार की चपेट में हैं, जिसे देखते हुए निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और इस कैंप में 500 से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवा दी गई है। आपके द्वारा एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, किस प्रकार का यह मेडिकल कैंप था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती थी। तो गांधी जी का मामला ये हमेशा रहा है कि वो सत्य और जो है अहिंसा पे चलने वाले शख्स थे। उन्होंने एक जो है साबरमती आश्रम का जो है संचालन किया था, जिसमें जो है वो गरीब मरीजों का फ्री इलाज कराते थे और उस आश्रम की ये दिन थी कि वो सब दिन जो है सुबह उठ के वो आश्रम में मरीजों से मिलते थे एक एक करके। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी जो उनके आइडियल थे, उनके नक्शे कदम पर चलते थे, तो ये दिन हम लोग के लिए सबसे बेहतरीन इसलिए रहा कि आज दोनों जो है महान लोगों का जो है जन्मदिन था। इस जन्मदिन के मौके पर हम लोग ने एक कैंप का आयोजन किया, जिसमें लगभग जो है 600-700 मरीजों का हम लोग ने निःशुल्क इलाज किया। उन लोग की जाँचों पर 50% की छूट की और जो दवाएं थी 2-2 दिन की लोगों को फ्री दी गई। ये जो आयोजन किया गया, इसमें सबसे ज़्यादा किस मर्ज से पीड़ित लोग आए? देखिए, इस समय जो है हमारे तंबोर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया और नाइन डेंगू कई तरह के जो है वायरल डिजीज़ फैली हुई हैं, जिसमें बुखार से हर घर में पूरा घर भी पीड़ित है और कुछ घर के सदस्य भी पीड़ित है। तो सही जानकारी और सही जो है इलाज ना मिल पाने की वजह से बहुत से लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इसलिए जो है इस कैंप का आयोजन किया गया था कि लोगों को जानकारी भी दी जाए और दवा भी जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त दी जाए। तो लोगों को जानकारी ये दी गई कि जो है इस समय जो वायरल चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है कि आप अपने आसपास घर में या अपने घर के अंदर कचरा ना इकट्ठा होने दें और अपने घर की फॉगिंग वगैरह कराएं। और दूसरे जो लोग इससे पीड़ित हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा लिक्विड डाइट पर ध्यान दें, ज़्यादा खाने के चक्कर में ना पड़ें, अच्छे से मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से जो है दवा लें, सलाह लें, जो जांच वो लिखे वो जांच करें और कायदे से इलाज करें। साथ ही समाजवादी युजन सभा के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष फराज अहमद के जन्मदिन पर लहरपुर नगर पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने केक काटा और फराज अहमद को केक खिलाकर बधाई दी। वहीं इस कार्यक्रम में मास्टर हसीन अंसारी, हाजी शामून खां, हबीब सुल्तान, मौलाना मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद रेहान सभासद, कामरान ठेकेदार, कबीर खान, समीर राय, नफीस खान, इस्लाम खान, शादाब रब्बानी, हारून गौरी, मेराज सभासद समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर। आज आपके द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, किस प्रकार का कैंप था? सबसे पहले न्यूज़ 9 लाइव टीवी चैनल को जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे कैंप का जो है कवरेज किया। सर्वप्रथम राष्ट्रपति महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर और फिर हमारा भी आज जन्मदिन था, इस पर मेडिकल कैंप का आयोजन अनंता क्लिनिक के द्वारा किया गया, जिसका शुभारंभ लहरपुर के लोकप्रिय चेयरमैन हाजी जावेद अहमद गौरी के द्वारा किया गया। इसमें कई तरह की बीमारियां जो महामारी फैली हुई है, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड वगैरह का इलाज कुशल डॉक्टरों के टीम जो लखनऊ से आई थी उनके द्वारा किया गया है। भविष्य में अगर कभी और ज़रूरत पड़ेगी, हम आगे कैंप ऐसे ही कैंपों का आयोजन करते रहेंगे। पिताजी के नक्शे कदम पर आगे चलते हुए हम लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। लहरपुर चेयरमैन हाजी जावेद अहमद और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ जो हमारे कार्यक्रम में आए और हमको केक खिलाकर हमको जन्मदिन की बधाई दी। उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तंबोर आने के लिए।